प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी निवाई आएंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। सभा से पहले कांग्रेस नेताओं ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब लगभग एक घंटे का ही वक्त बचा है जब प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर पहुंचेंगी और चुनावी शंखनाद करेंगी। 12 बजे का वक्त है, प्रियंका गांधी यहाँ से चुनावी सभा करेंगी और देखना दिलचस्प होगा कि जब मंच पर पहुंचती हैं तो यहाँ से कौन कौन से मुद्दे उठाती हैं। ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना की भी आज से शुरुआत होने वाली है, प्रियंका गांधी वाड्रा इस योजना की शुरुआत करेंगी। तो तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। टोंक से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निवाई में प्रियंका गांधी की चुनावी सभा होनी है। 12 बजे प्रियंका गांधी के यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम है। सभा स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद सभा स्थल पर मौजूद हैं, व्यवस्थाओं का जायजा उनकी ओर से लिया जा रहा है। वहीं कलेक्टर चिन्मयी गोपाल भी कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को देख रही हैं। ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ होना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी यहां पर मौजूद रहेंगे। वहीं प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सभा स्थल से, जहाँ पर भीड़ पहुँचनी भी शुरू हो चुकी है। से बड़ी रैली होने वाली है, राहुल गांधी की रैली हुई थी, खड़गे की हुई और आज प्रियंका गांधी की ये बड़ी चुनावी रैली है। बड़ी अगर अब बात करें राजस्थान की 200 सीटों में से बड़ी संख्या में सीटों पर ये प्रभाव रखने वाली ये जगह है निवाई, राजधानी से नज़दीक हाड़ोती और अजमेर के कुछ सीटों से लेकर के दौसा की सीटों पर भी प्रभाव रखने वाली है। कांग्रेस है बड़ी तैयारियों के साथ इस रैली में जुटी हुई है, नेता है वो पूरी तैयारियां कर रहे हैं और अब जो व्यवस्थाएं हैं वो अंतिम रूप उनको दिया जा रहा है। बिल्कुल शॉकिंग रेस है, प्रियंका गांधी यहां आ रही है, क्या चुनावी माहौल बदलेगा इससे? बदलेगा एकदम, चुनाव माहौल बदलेगा। क्या लगता है जो सरकार लगातार योजनाओं के जरिए कह रही है कि सरकार को रिपीट कर रहे हैं, किस तरह का माहौल बदलेगा, क्या सरकार रिपीट हो सकती है? सरकार 100% रिपीट होगी, राजस्थान में कांग्रेस सरकार आएगी और जो सरकार की योजना है राजस्थान सरकार की कांग्रेस सरकार की उस योजना से हर व्यक्ति प्रभावित है। कितना उत्साहित है कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के यहाँ आने से? बहुत उत्साहित है आम कार्यकर्ता, बहुत उत्साहित है। बिल्कुल आम कार्यकर्ता है वो एक वीआईपी चेहरा देखने के लिए उत्साहित भी है और प्रियंका गांधी की जिस तरह से क्रेज है महिलाओं में, खास करके देखा जाए युवाओं में, जैसा कि देखा जाए लोग उनको देखने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं, उस लिहाज से बड़ी सभा ये कांग्रेस की है। और टोंक के निवाई में इस वक्त सहयोगी दौलत पारेख हमारे साथ मौजूद है सभा स्थल पर, जहां से कुछ ही समय में प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी शंखनाद करेंगे। सीधे दौलत के पास आते हुए दौलत तस्वीरें दिखाइए, वहां से भीड़ कितनी जुट पाई है और जरा बातचीत की भी कोशिश करिएगा, कितना उत्साह वहां पर कार्यकर्ताओं में? बिल्कुल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो बढ़ता जा रहा है। प्रियंका गांधी थोड़ी देर बाद में यहाँ आने वाली है, सवाई माधोपुर से दिवाई आने वाली है और एक बार मैं आपको तस्वीरों के जरिए मंच दिखा देता हूँ और मंच के बाद में लोगों की भीड़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ी देर बाद में यहाँ प्रियंका गांधी आएगी, ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत प्रदेश स्तरीय यहां पर होने वाली है और लोगों का आना, कार्यकर्ताओं का आना, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आना वो लगातार जारी है और इस वक्त हमारे साथ आरसी चौधरी जो प्रदेश प्रवक्ता है वो यहां मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। प्रियंका गांधी आने वाली है, कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में प्रियंका गांधी जी के नाम को लेकर, आधी आबादी पूरा हक महिलाओं को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है क्योंकि प्रियंका गांधी वो बेटी है जो न्याय के लिए लड़ती है, प्रियंका गांधी वो बेटी है जो पूरे देश के अंदर महिलाओं को एक नई ऊर्जा देती है, प्रियंका गांधी एक वो बेटी है जो उन महिलाओं की आवाज को मुखर करके उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात करती है। राजस्थान के अंदर इससे पहले आदिवासी दिवस के ऊपर कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी आए थे, बेणेश्वर धाम के अंदर असंख्य जो लोग थे उनका अपार स्नेह प्यार और जो मिल रहा था, जो उनके लिए जो काम किए थे, तमाम चीजों का जो जिक्र किया था, उसके बाद में 6 सितंबर को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब गुलाबपुरा भीलवाड़ा की धरा पे आए जहां पे लाखों की तादाद में किसानों ने, पशुपालकों ने उनका आत्मीय उद्बोधन सुना और उनका स्वागत किया। आज उसी कड़ी के अंदर 10 सितंबर को प्रियंका गांधी जी निवाई टोंक की देवनगरी की धरा पे आ रही है। निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर इस देवनगरी की धरा से एक
बहुत बेहतरीन संदेश राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए जाएगा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और उत्साह का निश्चित रूप से इतना महत्वपूर्ण हो जाता है राजस्थान चुनावों को लेकर के प्रियंका गांधी का ये दौरा, क्योंकि राजधानी के नजदीक और हाड़ोती से लेकर करीब 40 सीटों का प्रभाव रखने वाली ये जो आपने निवाई चुना है, कितनी महत्वपूर्ण हो जाती राजस्थान चुनावों को लेकर के, विधानसभा चुनावों को लेकर और कांग्रेस के लिहाज से? राजस्थान से प्रियंका जी का अटूट रिश्ता रहा है। निश्चित रूप से उन्हें कोई जनप्रतिनिधि के तौर पे भागीदारी नहीं मिली, लेकिन संगठन के तौर पे जब जब राजस्थान के कांग्रेस ने और जनता ने जब याद किया उनके बीच में दौलत पूछिएगा कि बीजेपी हमलावर है, कह रही है कि क्या दुष्कर्म पीड़िताओं से भी मिलेंगी प्रियंका गांधी? न्याय की लड़ाई लड़ती रही, इसलिए ये जो बेटी है, जो एक लड़ने का जो बेटी ने साहस दिया है, वो पूरी राजस्थान की जनता में बिल्कुल बीजेपी हमलावर है, कह रही है कि क्या दुष्कर्म पीड़िताओं से भी मिलेगी क्या प्रियंका गांधी, क्योंकि बीजेपी लगातार महिला अपराध को लेकर के हमलावर है। मैं कहना चाहूंगा कि जहां पे कानून का राज होता है वहां पे कानून काम करता है। राजस्थान के अंदर हमने दुष्कर्मियों पे कानून के द्वारा लगातार जो प्रहार किए, जो हमले किए, जेल की सलाखों के पीछे भेजे, त्वरित जो हमने कार्रवाई की, अनिवार्य पंजीकरण किया, लेकिन जहां पे डबल इंजन की सरकार, आपने देखा होगा कि डबल इंजन की सरकार के अंदर ब्रजभूषण बचाओ बेटी पे हमला करो, वहां पे कुलदीप सेंगर को बचाओ बेटी पे हमला करो, आधी रात को पुलिस के पहरे में दुष्कर्म पीड़िता का अपने परिजनों के अभाव में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। आप जैसे जो प्रखर मीडिया है उसको पहुंचने नहीं दिया जाता है। उसकी लड़ाई लड़ने का अगर कोई काम करती है वो प्रियंका गांधी करती है, और उस लड़ाई का जज्बा पैदा करने का काम करती है तो वो बेटी करती है। और मैं कहना चाहूंगा कि दुष्कर्म के मामलों पे राजस्थान के शर्मसार करने वाले भारतीय जनता पार्टी नेताओं को सत्य पे जाना चाहिए। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 18 साल से कम नाबालिग लड़कियों के साथ में दुष्कर्म के मामले में डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। महिलाओं पे अत्याचार के मामले में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार है। किसी महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर अगर कोई देश में है तो वो दिल्ली है, जहाँ पे केंद्रीय पुलिस के अधीन वहाँ पे दिल्ली की कानून व्यवस्था आती है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो क्या सरकार के पास रोड में थे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार वो लगातार बढ़ते थे, इनको रोकने का क्या प्लान है? किस तरह से कांग्रेस हमलावर जो बीजेपी है उसको डिफेंड कर रही है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब मणिपुर की घटना का जिक्र किया, 78 दिन बाद में वो मणिपुर की घटनाओं पे बोले, जहां पे एक समाज विशेष ने दूसरे समाज की महिलाओं को निर्वस्त्र करके सामूहिक दुष्कर्म किया। राजस्थान के अंदर अगर ऐसी कोई घटना को अंजाम देता है अनिवार्य पंजीकरण। दौलत, 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया, उनसे पूछिए क्या इतनी भीड़ जुट पाई है, लग रहा है कि मिशन 156 को पूरा कर पाएगी कांग्रेस? गंभीर मामलों का अनुसंधान करती है, सिस्काउ यूनिट का गठन किया, एक आरपीएस लेवल के अधिकारी को हमने नियुक्त किया अनुसंधान जो बिल्कुल आज की चुनावी सभा की बात करें तो कुछ समय बचा है, प्रियंका गांधी यहां आने वाली है, मिशन 156 मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कांग्रेस पूरी जुटी हुई है, क्या आप लक्ष्य हासिल कर पाएंगे? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है मिशन 163 को पार करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व जो रहा वो 163 का रहा, और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उस अध्याय को तोड़ना चाहता है, उस अचीवमेंट को तोड़ना चाहता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए राजस्थान के अंदर 153 सीटें आई थी, उसके बाद में 3 और जुड़ी, उनका लक्ष्य 156, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना लक्ष्य आगे बढ़ा के 163 पार की बात कर रही है। आज की इस सभा से कितना माहौल बदल पाएगा? निश्चित रूप से आज जो आप जैसे मीडिया के माध्यम से प्रदेश और देश के कोने कोने में जो आवाजें जा रही हैं, जो प्रियंका गांधी जी अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, किसानों के लिए जो आवाज को बुलंद करेंगी, उनके अंदर एक उम्मीद और जोश का संचार होगा। और ये निश्चित रूप से जब मुद्दों की चर्चा होगी, विकास की चर्चा होगी, सरकार की उपलब्धियों की चर्चा होगी, तो भारतीय जनता पार्टी से हर कांग्रेस का कार्यकर्ता और राजस्थान की 8 करोड़ जनता जवाब मांगेगी, जो उनके लिए चुनौती बन जाएगा। इंदिरा रसोई योजना की शुभारंभ यहाँ हो रहा है, उसके अलावा और कौन सी घोषणाएं यहाँ से प्रियंका गांधी की ओर से की जा सकती है और मुख्यमंत्री की ओर से या क्या कुछ खास घोषणा की जा सकती है, क्योंकि चुनावी माहौल अब बिल्कुल बना हुआ है और चुनावी सीजन है और कांग्रेस है वो लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है और चुनावी घोषणा जो है वो अभी उसके जरिए मतदाताओं को रिझाने की कोशिश। निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान के हर बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात का उद्घोष किया कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते हुए नहीं थकूंगा। 73 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं राजस्थान के अंदर, राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए जो 2030 का सपना देखा, उन्होंने हर वर्ग को जहां पे भी जाते हैं जनता की जो पॉपुलर डिमांड होती है उसको मुख्यमंत्री जी सदैव पूरा करते हैं, कोई भी जगह हो, कहीं पे भी जाना हो। और जनता
अब इस बात के लिए तैयार है कि मुख्यमंत्री ने हमें देते देते नहीं थके, अब हमें कांग्रेस के वोटों से झोली बननी है, पुनः सरकार को लाना है और राजस्थान का रिवाज बदलना है। इस एक अंतिम सवाल, क्या इस मंच से एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है? कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, किसी मुद्दे पे मतभेद हो सकता है लेकिन मन से सदैव एक साथ में नजर आए, सदैव भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर नजर आए। कांग्रेस के तमाम नेताओं की प्रतिबद्धता है कांग्रेस के विचार के प्रति, राष्ट्र के विकास के प्रति और राज्य के 2030 के संकल्प के प्रति, इसलिए सदैव वो एकजुट हैं, एकजुट रहे और एकजुट रहेंगे। कांग्रेस के साथ बीजेपी भी परिवर्तन यात्रा निकाल दी, चार यात्राएं कल आज यानी 10 तारीख और 12 तारीख को निवाई में परिवर्तन यात्रा बीजेपी की आने वाली है। कल ही बीजेपी हमलावर होकर के इस सभा को लेकर भी सवाल उठाए, क्या कुछ कहना चाहते हैं बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को? जब राजस्थान के अंदर भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर रही थी तब भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश रैली निकाल रही थी, उस जन आक्रोश रैली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री के लिए बहुत सी डिमांड उठी थी कि उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो घपले किए, जो उनकी बचत की गाड़ी कमाई को लूटा है, वो उस जन आक्रोश यात्रा में आया था। आज भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, सत्ता की कुर्सी को हथियाने के लिए 4.5 साल तक जनता की अदालत से नदारद रहने के बाद में, वैश्विक महामारी कोविड जैसी महामारी में दूर रहने के बाद में, गायों में लंपी की बीमारी से नदारद रहने वाली भारतीय जनता पार्टी चुनावी बुगल के अंदर, लोकतंत्र के अंदर प्रति 5 वर्ष के बाद में चुनाव होते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, वो सत्ता परिवर्तन चाहती है, खुश अपने लिए कुर्सी चाहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली वो जनता की यात्रा थी, जनता का एक मोमेंट था, पब्लिक का एक मोमेंट था जिसमें जनता की आवाज मुखर हो रही थी सड़कों पे, जब संसद को म्यूट कर दिया गया, इसे दोनों को देश की जनता समझ रही है, राजस्थान की जनता समझ रही है। राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुत सूझबूझ के साथ में 25 सांसद दिए थे और एक सशक्त विपक्षी भूमिका दी थी, लेकिन वो निर्वहन करने में असफल रही और जब उपचुनाव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 और 4 पे पहुंच गई, उतनी प्रासंगिकता उन्होंने प्रतिपक्ष की भी खो दी, इसलिए राजस्थान की जनता पुनः रिवाज बदलेगी राजस्थान में और केंद्र में भाजपा का राज बदलेगी। 25 सांसदों की बात करते, कल ही सांसद टोंक सवाईमाधोपुर है, उन्होंने कहा कि लगातार केंद्र के जो पैसे हैं वो राजस्थान को दिए जा रहे हैं, जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाला हुआ है, टेंडर नहीं हो पा रहे, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, केंद्र की योजनाओं को कहीं ना कहीं राज्य सरकार है वो लटकाने का काम कर रही है। केंद्र की योजनाएं थी, भीलवाड़ा के अंदर मेमोकॉज फैक्ट्री था, अजमेर से जिस जगह पे हम टोंक हैं, टोंक होते हुए सवाईमाधोपुर रेलवे लाइन की परियोजना स्वीकृत की थी, डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेलवे लाइन परियोजना स्वीकृत की थी, ईआरसीपी का वादा किया था, ये वो क्षेत्र है जहां पे किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रधानमंत्री ने 7 जुलाई 2018 को वादा किया था, 6 अक्टूबर 2018 को अजमेर में वादा किया था, उस वादे से मुकर गई। आज वो केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि राजेंद्र सिंह का राज बना दो, हम ईआरसीपी ला देंगे। ये जनता के जनादेश को पैसे के दम पे खरीदने वाली धनबल की पार्टी बन चुकी है, इसे जनता के